वेलकम प्रोग्रामर्स। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में किया था कैसे हम लोग रो मैपर यूज करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट समझा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं और हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं डेटा। दो तरह का डेटा सेलेक्ट करेंगे, एक तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड, एंड दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल डेटा, दैट मींस मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे क्वेरी मेथड। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स में और हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं सेलेक्ट और रो मैपर इंटरफेस को, देखते हैं कैसे यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं भैया अपने इक्लिप्स में, इसको सबको बंद कर देते हैं, ठीक है, और बंद करेंगे और हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी इंप्लीमेंटेशन करनी है सेलेक्ट क्वेरी की। तो बस वेट करते हैं, यहाँ पे क्लोज ऑल कर देते हैं, स्प्रिंग जेडीबीसी वाला प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और सिंपल हम लोग आ जाते हैं। क्या करेंगे भाई, डाओ में आ जाएंगे और डाओ में यहाँ पे स्टूडेंट डाओ जो था इंटरफेस को ओपन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक मेथड ऐड करेंगे हम लोग जिसका नाम होगा पब्लिक। सिंगल ऑब्जेक्ट मीन्स हमारे पास जो डाओ है वो किसका है भाई, स्टूडेंट है शायद। तो बेसिकली ये मेथड क्या करेगा, ये इट विल रिटर्न द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और इसका नाम होगा गेट स्टूडेंट और ये लेगा बेसिकली स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट की आईडी लेगा, उस आईडी का स्टूडेंट रिटर्न कर देगा, परफेक्ट है। तो इसको हम लोग देंगे अगर 546, तो 546 का सारा डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं आके। सो हम लोग आ जाएंगे स्टूडेंट डाओ इम्पल में, यहाँ पे आ जाएंगे सिंपल, और हम लोग एक मेथड और जो हम लोग ने अभी नया वाला ऐड किया उसको यहाँ पे लाते हैं। सिंपली बल्ब पे क्लिक करना है, जब आप बल्ब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। सो हम लोग बल्ब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, आप क्लिक करोगे और नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे गेट स्टूडेंट मेथड आ गया है। इसको हम लाएंगे और गेटर सेट डिलीट के नीचे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे मेथड एक साथ रहे, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी हमें, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे हमें सेलेक्ट क्वेरी लगानी है, चलते हैं लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखूंगा सेलेक्टिंग सिंगल स्टूडेंट डेटा, ठीक है, क्वेरी बना लेते हैं, ठीक है, क्वेरी बना लेते हैं। सो बेसिकली हमें वही स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी यहाँ पे आ रही है। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग क्वेरी में आप सबको बताया सेलेक्ट की क्वेरी, सेलेक्ट लिखना है, फिर एस्ट्रिक लिखना है, फ्रॉम टेबल का नाम लिखना है, सो मेरे टेबल का नाम था स्टूडेंट, और फिर वेयर कंडीशन लगानी है क्योंकि सिंगल डेटा एक ही रो चाहिए आपको, वेयर आईडी ये कॉलम का नाम है बेसिकली डेटाबेस कॉलम का नाम, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अब ये क्वेरी सिंपली हमें फायर करनी है। सो हम लोग को क्या करना है एग्जैक्टली, हम लोग को यूज करना है जेडीबीसी टेम्पलेट का। तो हम लोग जेडीबीसी टेम्पलेट और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर लिस्ट नहीं, क्वेरी फॉर ऑफ लिस्ट मल्टीपल चीजों के लिए यूज करोगे, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। और बेसिकली यहाँ पे तीन चीज देनी है आपको, ठीक है, तीन चीज देनी है, क्या क्या भैया, वो तीन चीज देनी है और सिंपल। सबसे पहले तो आप क्वेरी दे दीजिए अपनी, दूसरा आपको रो मैपर का ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज आपके पास यहाँ पे रो मैपर का एक वेरिएबल ऐसे बना लेते हैं, इसको हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दैट मींस आईडी पास करनी है। तो ये आईडी हम पास कर देंगे ऊपर से स्टूडेंट आईडी, दैट्स इट। ये मुझे दे देगा एक रो, सिंगल रो किसका, ये बेसिकली स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट देगा, बट इस रो मैपर की इंप्लीमेंटेशन मुझे करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, डाओ में ही एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है, देखिए com.spring.jdbc.dao पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे न्यू क्लास बना लेंगे, न्यू पे चलेंगे और न्यू पे चलने के बाद यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लास पे क्लिक करेंगे, उसका नाम दे देंगे रो मैपर इम्पल, ठीक है, इम्पल, और सिंपली फिनिश कर देंगे। तो ये देखोगे आप एक क्लास बन जाएगी, ठीक है, सिंपल से एक क्लास बन गई। और यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन देनी है रो मैपर, परफेक्ट है। आप देखोगे यहाँ पे दो रो मैपर देखेंगे, java.mapper, ये आ रहा है javax.swing.tree, ये वाला नहीं लेना आपको, नीचे वाला लेना है org.springframework.jdbc.core। तो आपको दूसरे पे क्लिक करना है। ये बेसिकली पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है कि भैया आप किस ऑब्जेक्ट या किस टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ काम करना चाह रहे हो। तो मैं कहूंगा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है। अगर आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को फेच कर रहे थे तो आप एम्प्लॉय दोगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दोगे यहाँ पे, सपोज आपने ऐसा लिख दिया, सो ये ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करेगा काम करने के लिए। सो मैं क्या करूंगा, फिलहाल हम लोग का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली देखेगा यहाँ पे, तो इम्पोर्ट करते हैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फिर भी एरर नहीं जाएगी क्योंकि हम लोग को कोई ना कोई मेथड यहाँ का ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है।
सो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो बहुत सारे मेथड है, देखिए सॉरी एक मैप रो वाला मेथड है, इसी का हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली इसको इस तरफ वाले को बंद कर देना, सिंपली इस बल्ब पे क्लिक करना, और बल्ब पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, सिंपली आप क्लिक कर लो। अब आपको कैसे मैप करना है वो सारा काम यहाँ पे करना है, बट याद रखना है कि आपको यहाँ से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, परफेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यही ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग जब वहां पे कॉल कर रहे हैं तो यही ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो इसके अंदर डेटा हम निकालेंगे आरएस से और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट, हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट डॉट सेट आईडी, और आईडी में हमें चाहिए रिजल्ट सेट की आईडी, रिजल्ट सेट की आईडी। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे आरएस डॉट गेट गेट गेट, एंड कॉल कर सकते हैं और कॉलम नाम पहला दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग के डेटाबेस में फर्स्ट कॉलम आईडी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट डॉट सेट नेम, और हम लिखेंगे आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि भैया नाम जो स्ट्रिंग है और दूसरा कॉलम नेम था, ठीक है। फिर स्टूडेंट डॉट सेट, सेट नेम हो गया सिटी, और आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और तीसरा कॉलम स्ट्रिंग था, सिटी था। तो बेसिकली हम लोगों ने रिजल्ट से डेटा निकाला और हम लोगों ने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में डाला और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न कर दिया। अब बेसिकली ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन जावा यूज करेगा काम करने के लिए। तो इसी का ऑब्जेक्ट रो मैपर आई एम्पल इम्पल हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे अपने डाओ में, देखेंगे कैसे। तो सिंपली चलते हैं अपने डाओ में, आगे डाओ में, और यहाँ पे बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो देखेंगे हम लोग सिंपली न्यू रो मैपर इम्पल, रो मैपर इम्पल, और इसको हम लोग स्टोर करेंगे रो मैपर के अंदर, क्योंकि हमको पता है ना कि हमको पता है कि हम पेरेंट क्लास का वेरिएबल ले सकते हैं टू स्टोर द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये पेरेंट है, तो बेसिकली हम लोग इस पेरेंट और चाइल्ड वाले इस तरह के रिलेशनशिप रख सकते हैं। अभी पूछेगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप काम कर रहे हो, तो हम कहेंगे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम काम कर रहे हैं, दैट्स इट। और सिंपली हम ये रिटर्न कर देगा आपको, देखिए स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, दैट्स इट। हमारा ये दो लाइनें हैं, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको रो मैपर का ऑब्जेक्ट बनाना है, दिस इज योर रो मैपर, रो मैपर का ऑब्जेक्ट में रख देना है। बट यहाँ पे आप न्यू रो मैपर नहीं लिखोगे, यहाँ पे रो मैपर की इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखोगे, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे दी है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास, परफेक्ट। आई होप आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो, ठीक है, आ गया। आप बेसिकली ये ऑब्जेक्ट सिंपली यहाँ पे पास कर दोगे, तो सबसे पहले क्वेरी आ गई, फिर आपका रो मैपर आ गया जो कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद हमें स्टूडेंट की आईडी मिल गई जो कि यहाँ पे आ जाएगी, और हम लोग जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा वही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं गेट स्टूडेंट को, देखते हैं कैसे यूज करना है, सिंपल। तो हम लोग आ जाते हैं अपने ऐप में, ऐप में ऐप 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 कहाँ भैया, इसमें था ऐप, ऐप डॉट जावा, परफेक्ट है। और सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट सिंगल डेटा, ठीक है, सिंगल डेटा सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को यूज करना है, देखिए लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट डाओ, स्टूडेंट डाओ आप पहले से ऊपर बना चुके हो, स्टूडेंट डाओ डॉट, ठीक है, गेट स्टूडेंट, सो गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, और हमें बेसिकली स्टूडेंट की आईडी चाहिए। सो देखते हो भैया किस स्टूडेंट की आईडी उठा सकते हैं हम लोग, सो ठीक है, सिंपल हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल योग ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे आते हैं, एसक्यूएल योग ओपन कर लेते हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ पे डेटाबेस को चेक करने के लिए, और ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। सो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, आई होप आपको तब तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्प्रिंग एडीबीसी ओपन करते हैं, टेबल्स ओपन करते हैं, स्टूडेंट टेबल में एक डेटा देखते हैं जिसकी आईडी, तो बेसिकली हमारे पास दो ही डेटा है, तो हम लोग 222 की आईडी जरा देखते हैं, डेटा फेच करते हैं, तो 222 परफेक्ट है, और ये बेसिकली हमें दे देगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं स्टूडेंट के वेरिएबल में, और यहाँ एस आउट कर देते हैं और स्टूडेंट को प्रिंट कर देते हैं। तो बेसिकली ये स्टूडेंट डेटा से, एक बार मैं फ्लो समझाता हूँ, स्टूडेंट डेटा से गेट स्टूडेंट कॉल होगा, आईडी लेके जाएगा यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आईडी आएगी। बट एक्चुअली होगा क्या कि ये जो स्टूडेंट डेट गेट स्टूडेंट जो भी था मेथड, ये आपके स्टूडेंट डाओ इंटरफेस के अंदर था, तो यहाँ पे क्या कॉल होगा, बेसिकली कॉल होगा इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस की। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ध्यान से देखिएगा,
यहां से ये जाएगा स्टूडेंट आईडी लेकर के रन टाइम पॉलीमॉर्फिज के कारण स्टूडेंट डाउ इंपल के अंदर कॉल होगा गेट स्टूडेंट, और जो भी स्टूडेंट कॉल होगा वो स्टूडेंट की आईडी यहां पे सिंपल आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी बना लिया हम लोगों ने, ये इनकम्प्लीट क्वेरी है जिसको हम लोग पैरामीटराइज्ड भी क्वेरी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फायर करते थे अगर यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रो मैपर का ऑब्जेक्ट बनाया। रो मैपर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली क्योंकि हम लोग रो मैपर का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते बिकॉज इट इज अ इंटरफेस, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रो मैपर की इंप्लीमेंटेशन क्लास एक बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, ये इंप्लीमेंटेशन क्लास बना लेंगे ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और नए ऑब्जेक्ट में डेटा सेट करेंगे एक एक करके रो रिजल्ट सेट से निकाल के, और वो ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न कर देंगे। फिर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे, देखिए न्यू रो मैपर इंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपल यूज किया, सिंपली रो मैपर में रख दिया। फिर आपने जेडीबीसी टेम्पलेट से कॉल किया है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट वाला मेथड, और अपनी क्वेरी पास किया, रो मैपर पास किया और पैरामीटर्स पास किए, दैट्स इट। आपको सिंपली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा डेटा के साथ वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके app.js में यहाँ पे, और वही ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट कर दिया। चलिए भाई देखते हैं इसको रन करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आएगी तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं जब तक हमारा एप्लीकेशन रन नहीं हो जाता है तब तक ठीक है। सो आप भगवान का नाम लीजिए क्योंकि वैसी बात है इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिले तो बढ़िया भाई, 10 एरर आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, 10 एरर आ जाएंगी सो दिक्कत हो जाएगी ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, स्टूडेंट की आईडी 222, नाम दिस एंड सिटी दिल्ली। देखिए ये स्टूडेंट डेटाबेस, ये जो चीजें हैं वो डेटाबेस से आई है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ, सपोज आईडी 456 करता हूँ, तो हम 456 करते हैं। सो हम लोग देखेंगे इस बार हमारा दूसरा डेटा आएगा। एक बार आपने इंप्लीमेंटेशन कर ली, कोडिंग कर ली, सो आपको बस स्टूडेंट डाउ डॉट गेट स्टूडेंट कॉल करना हर बार, और आप देखोगे यहाँ पे उत्तम आ गया और सिटी का नाम कानपुर आ गया। सो आई होप आपको बहुत आसान बना देता है जेडीबीसी नॉर्मल जेडीबीसी के कंपैरिजन में, कि भैया नॉर्मल जेडीबीसी में आपको बहुत सारा कोड करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको बहुत कम कोड में बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अगर आप एक चीज, एक ट्रिक मैं और बताता हूँ बढ़िया, जिसको एनोनिमस क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपको एनोनिमस क्लास का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये वाली क्लास अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको थोड़ा सा, सपोज ये वाली क्लास हम लोगों ने डिलीट कर दी, कौन सी क्लास, अपनी रो मैपर वाली क्लास ठीक है, रो मैपर वाली क्लास सपोज हम लोगों ने डिलीट कर दी ठीक है, रो मैपर इंपल वाली क्लास ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अलग से क्लास नहीं बनानी है रो मैपर इंपल वाली क्लास, तो आप यहाँ पे जहां पे रो मैपर का ऑब्जेक्ट पास किया है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एनोनिमस क्लास बना के काम कर सकते हो ठीक है। एनोनिमस क्लास कैसे बनाते थे, सबसे पहले जगह बना ली, फिर आपको यहाँ पे लिखना है देखिए न्यू, फिर आपको यहाँ पे पेरेंट का नाम लिखना है, तो आप लिखो रो मैपर परफेक्ट है, और सिंपली आप ये ठीक है। सो आपको दो ब्रैकेट बहुत ध्यान से देना है, दिस इज रो मैपर और ये आपका पेरेंट क्लास है ठीक है, ये आपका पेरेंट क्लास है ठीक है, पेरेंट क्लास है दैट्स इट, और ये उसकी बॉडी है। अब आप एंटर करके तो आपने इंप्लीमेंटेशन यहां पे लिखी थी ना, कहां पे इंप्लीमेंटेशन लिखी थी, यहां पे वो सारी इंप्लीमेंटेशन आप कॉपी कर लीजिए यहां से आकर ठीक है, रो मैप रो के अंदर का सारा कंटेंट कॉपी कर लीजिए, और बेसिकली हम लोग इसको यहीं पे देने वाले हैं। तो आप देखो यहां एरर आ रही है, बल्ब पे क्लिक करो या एड एन इंप्लीमेंटेड मेथड्स क्लिक कर दो, दैट्स इट ठीक है। आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो, और जहां पे ये देखिए ये चीज आ रही ना, इसको आप पेस्ट कर दो यहां पे, और यहां से रिटर्न कर दो भैया क्या, अपना स्टूडेंट ठीक है, अपना स्टूडेंट रिटर्न कर दो। तो इसने सारा काम कर लिया इस बार, ये क्या वार्निंग दे रहा देखते हैं भाई, ये क्या वार्निंग दे रहा ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा ठीक है। सो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, आप यहां पे यूज कर सकते हो एनोनिमस क्लास, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा बट ऐसा यूज कर सकते हो। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ठीक है, रन करके दिखाता हूँ, आप राइट क्लिक करके सिंपल रन एज पे करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन करिए, सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है, देखते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे, सो देखो कोई भी दिक्कत नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हो, बट ये क्या हो जाएगा, हर एक सेलेक्ट के लिए अलग अलग आपको इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। आप पहले जैसा करिए, इससे क्या होगा, पहले जैसा आप उस इंप्लीमेंटेशन को बार बार हर जगह यूज कर सकते हो। सो पहले वाला इंप्लीमेंटेशन हमारा सही था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे काम करना है। ये इंप्लीमेंटेशन आप यूज करोगे रो मैपर की तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में भी दूसरा सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे तब भी हम लोग ये वाली इंप्लीमेंटेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास हम लोग अलग से बना के रखे हैं, तो न्यू रो मैपर का ऑब्जेक्ट हम लोग फिर से बना सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों चीजें, कैसे आप अलग से रो मैपर बना के यहाँ पे दे सकते हैं क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट के अंदर इस वाले मेथड के अंदर, और कैसे आप एनोनिमस क्लास भी बना सकते हैं, ये भी मैंने आपको चीजें सिखा दी। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल सारे स्टूडेंट का डेटा फेच करते हैं और देखते हैं कैसे काम करना ठीक है।
सो ये वाली वीडियो अगर आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कॉन्सेप्ट्स को सीखिए क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। सो बाय बाय।